राहुल गांधी का नया रूप देख दंग हुई मोदी सरकार। बीजेपी हुई बेबस, राहुल ने खोल दिया एक एक धागा। राहुल गांधी के नए अवतार से बेचैन हुए मोदी। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बात बार बार कहा कि वो पुराना राहुल गांधी मर गया। हालांकि उनकी इस बात का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन संसद में राहुल गांधी ने जिस तरह से सत्ता पक्ष के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाई है और उनके आरोपों से बीजेपी के मेंबर्स जिस तरीके से तिलमिला रहे थे, वो उनके बदले रूप की तस्दीक तो कर ही रही थी। 2014 के बाद यह पहली दफा हुआ जब राहुल के हमलों से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सहमी सहमी और बैकफुट पर दिखी। तो क्या वाकई में पुराना वाला राहुल गांधी मर चुका है? क्या राहुल गांधी का नया रूप देश में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा कर पाएगा? क्या राहुल गांधी ने खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा साबित कर दिया? राहुल गांधी के किन आरोपों से बीजेपी की बोलती बंद हो गई? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या वाकई पहले वाला राहुल गांधी मर चुका? राहुल ने अपने भाषण के दौरान तथ्यों के साथ हमले बोले। अगर आप बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो उसे समझ सकते हैं कि कौन किस पर हावी हो रहा था। सत्ता पक्ष में मंत्री अर्जुन मेघवाल, निशिकांत दुबे और रविशंकर प्रसाद बैठे थे। राहुल जैसे जैसे आरोप लगा रहे थे, सत्ता पक्ष के नेता रूल बुक की बातें कर रहे थे। प्रसाद तो रूल बुक लेकर महोदय हुजूर कहते हुए रूल बुक के नियमों का जिक्र करते दिखे। वो कह रहे थे कि राहुल ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं, अगर ये गंभीर आरोप हैं तो नोटिस देना होगा, ये साफ बताता है कि आप बैकफुट पर हैं। स्पीकर ओम बिरला ने भी अपना धर्म निभाते हुए कभी भी राहुल गांधी को टोका नहीं और जो भी नियम के दायरे में था उन्हें बोलने दिया। राहुल गांधी ने पूरे तथ्यों के साथ मोदी सरकार की बखिया उधेड़ी। राहुल गांधी ने संसद में दिखा दिया 2024 वाला ट्रेलर, मोदी शाह की अनुपस्थिति और वाजपेयी वाला विपक्ष। राहुल ने लोकसभा में जो तेवर दिखाए वो जोरदार था। राहुल के भाषण के दौरान ऐसा पहली बार लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी वाला विपक्ष आ गया हो। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति में बीजेपी बेबस नजर आ रही थी। जो नेता वहां मौजूद थे सत्ता पक्ष में, उनके अंदर एक अजीब तरह की बेचैनी दिखी। आम तौर पर होता यह है कि विपक्ष पर ही बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद भी हमलावर होती है। आज दृश्य बदला हुआ था, ये वाजपेयी के काल वाला विपक्ष दिख रहा था। जैसे वाजपेयी कांग्रेस पर हमला किया करते थे, उसी तरीके से राहुल गांधी और उनके पीछे बैठे कांग्रेस के जो नेता थे वे बार बार सत्ता पक्ष के लिए बेचैनी पैदा कर रहे थे। अडानी मामले में मोदी सरकार की चोरी पकड़ी गई। राहुल गांधी ने अडानी मोदी संबंधों का एक एक धागा खोल दिया। बीजेपी राहुल के आरोपों पर छितरा गई। राहुल के भाषण में एक बात तो साबित हुई कि बीजेपी की रणनीति सदन में कमजोर दिखी। न तो बीजेपी की रणनीति आक्रामक थी और न ही उनकी दलील। आमतौर पर बीजेपी ही विपक्षी दलों पर हमलावर रहती है। हालांकि बजट के बाद जैसे ही सारा फोकस अडानी पर आ गया, उसके बाद से ही मामले ने अरब रुख ले लिया था। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर अडानी ने कुछ गलत नहीं किया या फिर सरकार ने एयरपोर्ट के ठेके देने में कोई गलती नहीं की, तो सरकार ये बातें खुलकर क्यों नहीं कह रही है? ठेका तो उसी कंपनी को मिलता है जो उस क्राइटेरिया पर फिट होती है, सबसे सस्ता, मजबूत और टिकाऊ प्रस्ताव देती है। लेकिन बीजेपी के गले अडानी न तो निगलते बन रहे थे और न उगलते। राहुल गांधी ने अडानी पर जो आरोप लगाए, मोदी सरकार के किसी नेता के पास उसका जवाब नहीं था।